Hello everyone, welcome to the channel Novel Bell, and today is the very first session of our morning 6 AM GK series. तो आज के सेशन में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर फ्रॉम द टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स. दैट मीन्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट डिफरेंट बुक्स एंड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स. तो क्वेश्चन वे में ही हम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन. And with this also, do not forget to subscribe the channel to stay updated with more such videos and also like the video if you found it useful. इसके साथ ही आप हमारा app Novel Bell app download कर सकते हैं Play Store से. The link I have provided in the description and in the comment sections. यहाँ पे आपको RMS के अपने preparation के लिए कुछ mock test, free mock test available होंगे. There are also the crash course going on for Rashtriya Military School as well as for Navodaya Vidyalaya. तो आप पूरा बेनिफिट अपनी प्रेपरेशंस के लिए इस ऐप से उठा सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द क्वेश्चन नंबर वन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इज हु ऑथर्ड द बुक विंग्स ऑफ फायर. ओके, ए कुलदीप नायर, बी मैथिली शरण गुप्ता, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी महात्मा गांधी. तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर द स्टूडेंट्स इफ समवन इज फ्रॉम हिंदी मीडियम कि जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उस बुक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है. ए कुलदीप नायर, बी मैथिली शरण गुप्ता, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी महात्मा गांधी. तो याद रखेंगे विंग्स ऑफ फायर इज अ वेरी फेमस बुक एंड बहुत ही ये क्वेश्चन जो है आपका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये आपको पेपर में देखने मिल सकता है. विंग्स ऑफ फायर इज अ वेरी फेमस बुक एंड इज द वर्क ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बुक लिखी थी विंग्स ऑफ फायर. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये हम कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ओके, तो ये याद रखेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बुक ऑथर्ड की थी द विंग्स ऑफ फायर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विंग्स ऑफ फायर बुक इज ऑथर्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ इज द वर्क ऑफ श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू. तो ये जो बुक है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इस बुक के ऑथर कौन है या ये बुक किसने लिखी है. माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू. तो ये भी वंस अगेन बहुत ही फेमस बुक है. वंस अगेन क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द करेक्ट आंसर इज बी, महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने ये बुक लिखी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ. सो याद रखेंगे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज द वर्क ऑफ और इज द फेमस वर्क ऑफ महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विक्रम सेठ इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. ए अ टेल ऑफ टू सिटीज, बी अ सूटेबल बॉय, सी अ ट्रेन टू पाकिस्तान, डी जुरैसिक पार्क. सो विक्रम सेठ क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम सेठ निम्नलिखित में से किस बुक के या किस किताब के लेखक हैं. सो इस बार क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है. अभी तक आपको बुक का नाम दिया जा रहा था एंड गिवन टू द नेम ऑफ बुक आपसे कहा जा रहा था दैट यू हैव टू आंसर द हु इज द ऑथर ऑफ दैट बुक. नाउ इन दिस केस आपको ऑलरेडी ऑथर प्रोवाइडेड है, दैट इज विक्रम सेठ, एंड आपको बताना है हु हैज रिटन the book written by Vikram Seth. So, Tale of Two Cities, A Suitable Boy, Train to Pakistan and Jurassic Park. So, correct answer yahan pe hai, A Suitable Boy. This book is written by Vikram Seth. Kaafi famous book hai. Recently, is book pe abhi, you must have seen a movie was also made. So, A Suitable Boy is written by Vikram Seth. A very famous and a very good book. To yaad rakhenge. Three more books ka yahan naam given hai. Tale of Two Cities, A Train to Pakistan and Jurassic Park. So, इसके बारे में भी हम याद रखते हैं. Tale of Two Cities. Tale of Two Cities is the book written by Charles Dickens. तो आप जो भी notes इन question से prepare कर रहे होंगे, you are noting it down in your notebook. तो इसको आप note कर लीजिए that the Tale of Two Cities is a book written by Charles Dickens. Charles Dickens ने ही another book भी लिखी है, but this one is very important. Tale of Two Cities by Charles Dickens. A Train to Pakistan. ये book किसने लिखी है? So, A Train to Pakistan is written by Kushwant Singh. Kushwant Singh ka bahut hi famous work hai. A Train to Pakistan, a very prolific writer. And C, Kushwant Singh, A Train to Pakistan. So, ye yaad rakhenge, A Train to Pakistan is written by Kushwant Singh. Then, you have Jurassic Park. So, Jurassic Park is written by Michael and Crichton. Okay? तो याद रखेंगे इट इज रिटन बाय माइकल क्रिटन, जुरैसिक पार्क. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. जुरैसिक पार्क पे मूवीज भी हैं, यू मस्ट हैव सीन.
So, Tale of Two Cities by Charles Dickens, A Suitable Boy by Vikram Seth, A Train to Pakistan by Kushwant Singh and Jurassic Park is by Michael Crichton. So, C आपका B करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए. विक्रम सेठ इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सूटेबल बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द फेमस बुक गुलिवर्स ट्रेवल इज रिटन बाय ल्यूइस कैरोसिल, कार्ल मैक्स, जेके रॉलिंग और माइकल क्रिक्टन. द फेमस बुक गुलिवर्स ट्रेवल इज रिटन बाय. तो यहाँ पे देखिए, द फेमस बुक गुलिवर्स ट्रेवल इज रिटन बाय, तो याद रखेंगे द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जोनाथन स्विफ्ट, विच सैडली इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द ऑप्शंस. ओके, तो सेपरेटली हम आंसर लिख लेते हैं. द फेमस बुक गुलिवर्स ट्रेवल इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. ओके, तो ई ऑप्शन लेट्स एड एंड इट इज जोनाथन स्विफ्ट. ओके, सो ई आपका आंसर करेक्ट होगा, जोनाथन स्विफ्ट. जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल बुक लिखी है. आप लोगों के फोर्थ और फिफ्थ क्लास के सिलेबस में इट इज देयर इन योर इंग्लिश सिलेबस, गुलिवर्स ट्रेवल रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. ओके, इफ वी टॉक अबाउट ल्यूइस कैरोसिल, सो ल्यूइस कैरोसिल ने भी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, दैट इज एलिस इन वंडरलैंड. ओके, एलिस इन वंडरलैंड बुक इज रिटन बाय Lewis Carroll. So Alice in Wonderland is also there in your class 5th English book. I'm recalling it correctly. So Lewis Carroll bhi yaad rakhenge for Alice in Wonderland. Then Gulliver's Travel, Jonathan Swift. Michael Crichton ke liye humne study kiya that it was Jurassic Park. Okay? The book was Jurassic Park. So correct answer for this was option E, Jonathan Swift. Fifth question, Ramcharitmanas is written by Maharshi Valmiki, Tulsidas, Vedvyas or कालिदास. रामचरितमानस किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास और कालिदास. तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन बिटवीन महर्षि वाल्मीकि एंड तुलसीदास. ओके, सो याद रखना है द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, तुलसीदास. रामचरितमानस इज रिटन बाय तुलसीदास. महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में. महर्षि वाल्मीकि हैज रिटन रामायण एंड तुलसीदास इज रिटन रामचरितमानस. सो द करेक्ट आंसर इज बी, तुलसीदास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. बुक दास कैपिटल इज ऑथर्ड बाय, दास कैपिटल किताब या दास कैपिटल बुक किसने लिखी है? दिस इज द नेम ऑफ बुक, दास कैपिटल. आर एन टैगोर, दैट इज श्री रविंद्रनाथ टैगोर, मुकुल राज आनंद, कार्ल मार्क्स और चार्ल्स डार्विन. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फॉर दास कैपिटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो याद रखेंगे द करेक्ट आंसर इज सी, कार्ल मार्क्स. दास कैपिटल इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स. ये याद रखेंगे. वन मोर बुक इज देयर ऑफ कार्ल मार्क्स, दैट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. इस बुक का नाम भी आप लोग साथ में याद रख लीजिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ओके, सो कार्ल मार्क्स ने दो बुक कार्ल मार्क्स के आप नाम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, डास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ओके, एंड देन दीज आर द बुक्स. रविंद्रनाथ टैगोर के लिए द मोस्ट पॉपुलर बुक दैट हैज बीन आस्क्ड इज गीतांजलि इन एग्जाम्स. ओके, गीतांजलि बुक के लिए ही इनको इन द ईयर 1913 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया था और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से अवॉर्ड किया गया था. सो नोबेल लिटरेचर प्राइज इन द ईयर 1913. And the very famous book is Geetanjali. Okay, Charles Darwin ke liye the book is Origin of Species. This is a very famous book. Okay, for this also question can be there. So Origin of Species. Jitne bhi authors hum aaj study kar rahe hain, inse associated books study kar rahe hain, even though the answer for the particular question is that or not. Jise humne yahan study kiya, the answer for this question is Karl Marx. बट इन एडिशन हमने 3 मोर बुक्स के बारे में स्टडी किया. तो ये सब कुछ आप अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा एंड डेली एज आई सेड इसको आप रिवाइज कीजिएगा. ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, आर एन टैगोर, गीतांजलि, 1913 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7. द ऑथर ऑफ फेमस हैरी पॉटर बुक सीरीज इज जेके रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर, मैथ्यू हैडन और जेवियर मोरो. ओके, सो जो फेमस बुक सीरीज है हैरी पॉटर, हैरी पॉटर बुक सीरीज के ऑथर कौन है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा जेके रॉलिंग. जेके रॉलिंग उनका पेन नेम है एंड शी इज द ऑथर ऑफ द फेमस हैरी पॉटर बुक सीरीज. सो जेके रॉलिंग इज द करेक्ट आंसर.
टोटली याद रखेंगे, देर आर 7 बुक्स इन द हैरी पॉटर सीरीज. ओके, दिस इज अ सीरीज ऑफ बुक्स, सो 7 बुक्स हैं दैट मेक्स अप द कंप्लीट हैरी पॉटर सीरीज, एंड ऑल द 7 बुक्स आर रिटन बाय जेके रॉलिंग ओनली. तो इन केस पेपर में ये हो सकता है दैट यहाँ पे क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज जेके रॉलिंग. इन पेपर द क्वेश्चन कैन बी दैट नेम ऑफ अ पर्टिक्युलर बुक इज गिवन देयर, एंड देन इट विल बी आस्किंग यू दैट हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक. तो घबराने की बात नहीं है, सभी 7 बुक्स का नेम याद करने की भी बात नहीं है. सिंपली जितने भी 7 बुक्स हैं इन दिस सीरीज, ऑल ऑफ देम कंटेन द नेम ऑफ हैरी पॉटर. सो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको हैरी पॉटर का नेम आ रहा है, डायरेक्टली सीरीज पूछा है, सो द आंसर विल बी जेके रॉलिंग. अदरवाइज इफ द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक इज गिवन देयर एंड इन दैट नेम हैरी पॉटर इज रिटन, सो blindly you can mark the answer J.K. Rowling. J.K. Rowling is going to be the correct answer. So for this question also A, J.K. Rowling is the correct answer. Next question, question number 8, God of Small Things is written by Arundhati Roy, Salman Rushdie, Vikram Seth or none of these. This is the name of book. Book ka naam hai A God of Small Things and ye book kisne likhi hai? So correct answer is Arundhati Roy. Arundhati Roy is the author of this book, God of Small Things. And unko is book ke liye kaafi popularity and prasiddhi bhi mili thi. Kaafi achhi book thi ye, A God of Small Things. Okay, so this is authored by Arundhati Roy. Kaafi famous work hai unka. So yaad rakhenge, God of Small Things. Then Salman Rushdie. Salman Rushdie ke liye bhi question often times poocha jata hai. And there are books. सो सलमान रश्दी के लिए अगर क्वेश्चन आ रहा है, सो देर आर वेरी फेयर चांसेस कि क्वेश्चन आपको उनकी इस बुक के लिए आएगा, दैट इज मिड नाइट चिल्ड्रंस. ओके, सो सलमान रश्दी हैज रिटन द बुक मिड नाइट चिल्ड्रन. दिस इज ऑल्सो द वेरी फेमस वर्क ऑफ सलमान रश्दी. विक्रम सेठ के लिए हमने स्टडी किया, दैट इज अ सूटेबल बॉय. ओके, अ सूटेबल बॉय फॉर विक्रम सेठ. फॉर सलमान रश्दी इट इज मिड नाइट चिल्ड्रन. इस बुक के लिए इनको मैन बुकर अवार्ड मिला था. सिमिलरली अरुंधति रॉय, इट वॉज शी वॉज अवॉर्डेड विद मैन बुकर अवार्ड फॉर दिस बुक अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. दैट्स वाई दिस बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, मिड नाइट चिल्ड्रन एंड अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग. दोनों ही बुक्स के लिए, दोनों ही ऑथर्स को मैन बुकर अवार्ड से अवार्ड किया गया था. सो याद रखेंगे, अरुंधति रॉय अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सलमान रश्दी मिड नाइट चिल्ड्रन, विक्रम सेठ अ सूटेबल बॉय. Question number 9. Godaan is the famous work of which Indian author? Khushwant Singh, Harishankar Parsai, Jonathan Swift or Munshi Premchand? So, ye to I am hoping sabhi ko pata hoga. Godaan is a very famous book. Okay? Kaafi thodi bulky book hai. It is a novel. So, Godaan is a very famous work of which Indian author? Question mein dekhe. Indian given hai. So, Jonathan Swift to yahan se out hi ho jata hai. And the correct answer is Munshi Premchand. Okay? So, Godaan is the famous work of मुंशी प्रेमचंद. याद रखेंगे, डी करेक्ट आंसर है हियर, मुंशी प्रेमचंद. देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10. डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, विजय तेंदुलकर और नन ऑफ दीज. सो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत एक खोज. ओके, दिस इज द बुक एंड दिस इज द वेरी फेमस बुक दैट इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ओके, इन एडिशन वन मोर बुक इज देयर बाय जवाहरलाल नेहरू, उसका भी आप नेम याद रखेंगे, दैट इज अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स. ओके, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स. तो ये दोनों ही बुक याद रखना है. बोथ ऑफ दीज बुक्स आर ऑथर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. विद दिस एवरीवन वी सम अप आवर टुडेस सेशन. आई होप दिस विल बी यूजफुल टू एवरीवन. बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हमने इस सेशन में डिस्कस की है, उनके ऑथर्स के बारे में डिस्कस किया है. सो ये आप लोग नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में. एंड इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी एनीवेयर, फील फ्री टू ड्रॉप योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी रिप्लाइंग टू देम, आई विल बी रिजॉल्विंग योर डाउट्स हियर ओनली. ओके, सो विद दिस एवरीवन वी सम अप आवर टुडेस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. You can get connected with more such sessions, so do not forget to subscribe the channel Novel Bell. And if you like the video, so press the bell notification as well as the like button. Okay, and to take the free mock test for Rashtriya Military Schools, aap app download kar sakte hain. Link I have provided in the description. From there, you can download the app. You can take the courses and all the free classes that are available there. Okay, so thank you everyone. With this, we sum up our today's session. Thank you.